श्री हुकुम देव नारायण यादव महोदय निशिकांत जी को धन्यवाद देता हूं कि गैर सरकारी प्रस्ताव के पूरे देश और दुनिया का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है। ये कहानी किसकी है? हम अपनी पीड़ा की कहानी स्वयं सुनाते हैं, लेकिन दुख है उस पीड़ा को पैदा करने का कारण न खोजा जाता है न उसका निवारण किया गया। अगर इसके कारण और निवारण को ढूंढना चाहे करना चाहे तो मैं भारतवर्ष के सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा, खास करके युवा पीढ़ी से, कि अमेरिका, फ्रांस और रूस ने इस समय जैसा निर्णय लिया है, वहां के लोगों ने, मीडिया ने, राजनीतिक दलों ने और जनता ने जिस एकता का, कटिबद्धता, प्रतिबद्धता का परिचय दिया है अपनी राष्ट्रवाद के लिए, भारत के अंदर जिस दिन एक एक जन जन और कण कण में सब में वही एकता, वही समरूपता और वही प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्रवाद की भावना उग्र रूप से प्रज्वलित हो जाएगी, उस दिन हिंदुस्तान से इन समस्या का सदा के लिए समाधान हो जाएगा। लेकिन दूसरे को कौन कहे? हिंदुस्तान बार बार गुलाम क्यों हुआ? सबसे ज्यादा दुनिया में हिंदुस्तान गुलाम होते रहा, इसका कारण कौन था? 1526 ईस्वी पानीपत की पहली लड़ाई, 1200 घुड़सवार लेके बाबर आता है, हिंदुस्तान को फतह करके चला जाता है, इतना बड़ा मुर्दा देश उस गुलामी को कबूल कर लेता है। कितने दिनों तक हम मुगल के गुलाम रहे, कितने दिन तक अंग्रेज के गुलाम रहे, इसलिए हम उस गुलामी की मानसिकता से जब तक निकलेंगे नहीं और देश को निकालेंगे नहीं, तब तक हिंदुस्तान में समस्या का समाधान भी नहीं हो सकता है। आखिर ये विस्थापित होते हैं उनको कितनी तकलीफ होती है कौन जाने, हम तो बाढ़ में बसने वाले हैं और जब भयंकर बाढ़ आती है तो विस्थापित होकर जाते हैं, कहीं बांध पर बसते हैं, कहीं पेड़ पर बसते हैं, कहीं और बसते हैं, खाना बदोश की जिंदगी 15 दिन और महीना दिन जीते हैं, तब उस पीड़ा से इतने व्यथित हो जाते हैं कि कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो इतने दिन से विस्थापित हैं उसका कारण क्या है? महताब जी अभी कारण सब बता रहे थे, लेकिन इस कारण, इसका एक कारण इसी संसद में डॉक्टर लोहिया ने बताया था और मैं उस किताब में से निकाल के इस संसद में कई बार सुना चुका हूं। डॉक्टर लोहिया ने इसी संसद में कहा था कि पिछले 1500 वर्षों में हिंदुस्तान ने दास भाव के सांस्कृतिक समन्वय को सीखा है, उसने स्वामी भाव के सांस्कृतिक समन्वय को सीखा ही नहीं है। आज भी हिंदुस्तान उस दास भाव के सांस्कृतिक समन्वय में जी रहा है, हम स्वामी भाव के सांस्कृतिक समन्वय को कब जिएंगे? इतिहास की दो धारा रही है, रोमिला थापर और आरसी मजुमदार जैसे इतिहासकार इस देश में हुए जिन्होंने सांस्कृतिक समन्वय की धारा की बात की है, वो धारा दास भाव की धारा है, वो धारा स्वामी भाव की धारा नहीं है। आज भी हम उस दास भाव की सांस्कृतिक धारा को अंगीकार किए हुए हैं। दास भाव का मतलब है कि हम पराई संस्कृति के आगे जो ताकतवर हो, शक्तिशाली हो, उसके आगे सिर झुका करके उसके साथ समन्वय करें। स्वामी भाव का समन्वय यह है कि किसी की अच्छाई को हम सीखे तो मेरी भी अच्छाई को वह सीखे, अच्छाई का लेन देन हो, बुराई का दोनों त्याग करे, तब वो स्वामी भाव का समन्वय होता है। ये कारण उसी का है, उसी से ये पैदा हुआ है। आखिर क्यों उन पर आक्रमण हुआ? आक्रमण करने वाले कौन थे? क्यों आक्रमण किए? मान लीजिए आक्रमण किए तो धन लूट लेते, जेवर लूट लेते, पैसे ले जाते, लेकिन मंदिर ने क्या बिगाड़ा था? ये तो गजनी गोरी जैसे किया था, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था और आकर के हिंदुस्तान को लूटा था, ये तो दूसरे गजनी गोरी हिंदुस्तान में घुस रहे हैं और हम उनको सोचते हैं कि ये कोई साधारण कारण है। इतने मंदिरों को तोड़ दिया, क्यों तोड़ा मंदिर को? उस मंदिर ने क्या बिगाड़ा था? इसका एकमात्र कारण है कि उस कश्मीर की घाटी से उन राष्ट्रवादियों को चुन चुन के निकाल के बाहर कर दो, और बाहर करने वाले हुए हैं
जो इस राष्ट्र के विरोधी हैं, आतंकवादी हैं, उग्रवादी नहीं, आतंकवादी हैं। और वो आतंकवाद के कारण आज भी देश पीड़ित होता है, और आतंकवाद के कारण देश यहां तक पीड़ित होता है। हम उस दास भाव से गुलाम हैं कि उन आतंकवादियों को फांसी से बचाने के लिए 2 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट की अदालत को बैठा देते हैं। धिक्कार है इस देश पर। क्या अमेरिका में, रूस में, फ्रांस में है किसी वकील को ताकत? है किसी अदालत में यह ताकत? ऐसा करके दिखाए, लेकिन हम करते हैं। फिर हम आतंकवादी के नाम पर अगर पकड़े जाते हैं तो हम ही उनको जात की श्रेणी में गिनाने लगते हैं। तथा कथित मानववादी और तथा कथित भ्रमजीवी बुद्धिजीवी। कितने आतंकवादी पकड़े गए, किस जात के हैं, किस संप्रदाय के हैं? श्रीमान, तो मेरा भैंस चरेगा, भैंसा तो हम नाथने जाएंगे, सांड को, बकरी को? क्यों ये बढ़ता जा रहा है देश में? केवल कश्मीर में नहीं है, और भी है। दुनिया में कहीं ऐसा हुआ है क्या? किसी देश में? और किसी देश में ऐसा हुआ होता तो दुनिया के दूसरे देश वाले इसको बर्दाश्त नहीं किए होते, उसका निराकरण कर लिए होते। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं, राष्ट्रवादियों को उजारो, राष्ट्र विरोधियों के लिए नारे लगाओ, उनका सम्मान करो, उनका जय जयकार करो, उनको प्रतिष्ठित करो। कहां गए थे हिंदुस्तान के वो सारे बुद्धिजीवी? कहां गए थे वो पद्म विभूषण वाले, साहित्य रत्न वाले, साहित्य पुरस्कार लेने वाले, जिस दिन ये कश्मीर के इतने पंडितों को और कश्मीर के राष्ट्रवादियों को, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, उनको उजाड़ करके भगाया गया, उस समय इनकी बुद्धि विद्यता योग्यता कहां चली गई थी? उस दिन नहीं उनको सोचाई थी, पीड़ा कहां चली गई थी? कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। क्या बात करते हैं साहब। इसलिए मैंने कहा था ये भ्रमजीवी बुद्धिजीवी। आज हिंदुस्तान में अनुग्रह और अनुकंपा पर पन्ने वाले बुद्धिजीवी बनाए गए। शुरू से उन्होंने एक अलग तरह से लिखना शुरू किया, अलग धारा से लिखना शुरू किया, और लोगों के अंदर ये भ्रम पैदा करना शुरू किया। मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इन्होंने ये फैसला किया कि उनको पुनर्वासित करेंगे, बसाएंगे, सब कुछ ठीक करेंगे। लेकिन ये बसाने का निर्णय हुआ है तो बसाइए, और चाहे जितनी ताकत लगे, सारे वो कश्मीरी पंडित के इलाके के कांटे के तीन तह से कांटों के तार से घेरिए और उसी जगह बसाइए, और हिंदुस्तान के पलटन को लगाइए, और उससे भी अगर जर कम पड़े तो हिंदुस्तान के हुए नौजवान जो अपने देश के लिए, राष्ट्रवाद के लिए मरने वाले हैं, ऐसे लाखों नौजवान उस घाटी को घेर करके पहरा करेंगे और आतंकवादी से मुकाबला करेंगे। हमको जाने तो दीजिए वहां। लेकिन कानून बना दिया। किसने कानून बनाया कि किसी बाहर के हिंदुस्तानी को घुसने नहीं देंगे? पाकिस्तानी आ जाए तो आ जाए, दूसरे वाले आ जाए तो आ जाए, लेकिन कश्मीर में किसी हिंदुस्तानी को न जमीन खरीदने देंगे, न रहने देंगे, न बसने देंगे। क्यों? अगर उस समय ये कानून नहीं बनाया गया होता, मैं कहता हूं जिस सरकार ने यह कानून बनाया उस सरकार ने सबसे बड़ा अपराध किया, लगा दिया। हमारा देश सब जगह हम जाके बस जाए, कश्मीर में जाके नहीं बसने देंगे। क्यों? अगर कश्मीर में बाहर से भारतीयों को बसने की इजाजत होती तो मैं आपसे कहूंगा सभापति महोदय, कैसे हिंदुस्तान के अंदर में लड़ाकू जातियां हैं कि वो सब उस सीमा पर जाके बस जाते और मिलिटेंट को बता देते कि वो कितनी माँ का दूध पिए हैं और हिंदुस्तान का नौजवान कितनी माँ का दूध पिए हुआ है। लेकिन नहीं,
बनाने ने बसने नहीं दिया, कानून नहीं बनाया। कौन धारा कहते हैं 370? मैं नहीं कहता। आज भाजपा के लोग बोलते हैं तो कहते हैं कि साहब गलत बोलते हैं। पढ़िए डॉक्टर लोहिया को, इसी संदर्भ में डॉक्टर लोहिया ने धारा 370 का विरोध किया था। वो तो समाजवादी थे, हम सोशलिस्ट पार्टी में थे, नारा लगाते थे उस समय 370 हटाओ, कॉमन सिविल कोड लाओ। ये डॉक्टर लोहिया समाजवादी थे जो जन जन में इस आंदोलन को चलाए थे। इसलिए मैं, मेरी विनम्र प्रार्थना है, नंबर एक, ये सदन को संकल्प ले, सदन के मार्फत राष्ट्र संकल्प ले कि हम सदन के साथ साथ राष्ट्र के लोग संकल्प लेते हैं कि जैसे अमेरिका, फ्रांस और रूस के नागरिकों ने, मीडिया ने और सभी राजनीतिक दलों ने आतंकवाद के विरुद्ध में लड़ने के लिए संकल्प लिया है और एक सरकार का साथ दिया है, उसी तरह भारत की सरकार निर्णय ले तो पूरे मीडिया, पूरे राजनीतिक दल उसका साथ देंगे। क्या इस संसद में यह प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए तैयार है? जब हमको अपने ही शरीर में खुजली है तो हम दूसरे के खुजली का इलाज क्या करने जाएं? हम तो अपने यहां इन बदमाशों को छिपाते हैं, सहारा देते हैं, खिलाते हैं, रखते हैं। बस सबसे बड़ी चुनौती तो उस दिन हुई थी जिस दिन संसद पर आक्रमण हुआ था, आज ही का दिन है, यहां संसद पर आक्रमण हुआ था। अच्छा, कल हो कि आज हो, हम तो उस समय थे, उस आक्रमण के समय। इसलिए सभापति महोदय, मैं अपनी बात को विराम देते हुए और माननीय सदस्य बोलेंगे, बस केवल एक ही उपाय है, राष्ट्र जागरण, सम लक्ष्य सम बोध। राष्ट्र के हर नागरिकों में एक बोध हो कि राष्ट्र का कण कण हमारा है और जो हमारी राष्ट्र की एकता, संस्कृति, सभ्यता को चुनौती देगा उससे इस राष्ट्र का एक एक आदमी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर नागरिक मरेगा। लेकिन इस विरोधी ताकत को खदेड़ के हिंदुस्तान से बाहर करेगा, ये संकल्प ले। दूसरा, सरकार के पास में अगर खजाना में पैसा नहीं हो तो सरकार अगर कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए एक अलग से पुनर्वास की योजना के लिए हिंदुस्तान के नागरिकों से मांगे तो इनको पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन बसे वहीं, कश्मीर में बसे, जम्मू में बसे, चाहे जहां बसे बसे, और मंदिरों को जो तोड़ा गया है उस मंदिरों का जीर्णोद्धार सरकार करे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था कई राजनेताओं के विरोध के बावजूद, उसी तरह भारत की सरकार उस सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार करावे और उन कश्मीर की घाटी में एक नहीं अनेक सोमनाथ का निर्माण करना पड़े जीर्णोद्धार से, तो सरकार के तरफ से करना चाहिए। ट्रस्ट बना के करिए, पैसा मांग के करिए, जैसे करिए वैसे करिए, लेकिन इन विस्थापितों को पुनर्वास कराइए। हिंदुस्तान के शान, मान, स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए। ये सभी देश के नौजवानों का मैं आह्वान करता हूं। धन्यवाद।